आखिरकार ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। एक 32 मंजिला इमारत और एक 28 मंजिला इमारत, दोनों ही इमारत जो है वो सुपर टेक की थी और ये जो है ध्वस्तीकरण का कार्रवाई तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, लेकिन उससे पहले लड़ाई बहुत लंबी थी। इस लड़ाई को लड़ने के लिए RWA के लोगों ने पहले जिला, फिर हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। अब इस पूरे मामले में ये दावे और कई सारे जो है सवाल लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या यूपी सरकार की तरफ से कभी भी सुपरटेक के अधिकारियों के साथ मिलकर कभी उनके पक्ष में हाईकोर्ट में कभी कोई बात सामने रखी गई, क्योंकि अधिकारियों का नाम, जो अथॉरिटी के अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, जिन्होंने जो है परमिशन दी थी, सारे मानकों को जांच नहीं किया था, उन अधिकारियों पर तो कार्रवाई हो गई। क्या कभी कुछ सरकारें, जो यूपी सरकार, जो इससे पहले बीजेपी, बीजेपी से पहले समाजवादी पार्टी, उससे पहले बसपा, क्या किन्हीं सरकारों में कभी कुछ ऐसा हुआ कि भाई इनकी तरफ से कोई पक्ष वाली बात सामने आई? इसी बात को हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस पूरे मामले की शुरुआत आज से करीब 18 साल पहले नवंबर 2004 में हुई थी। नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए सेक्टर 93A में 84,273 वर्ग मीटर जमीन अलॉट की थी। प्रोजेक्ट के तहत सुपरटेक इस जमीन पर 11-11 मंजिल के कुल 16 बिल्डिंग बनाने जा रहा था। प्रोजेक्ट के लिए जो नक्शा पास किया गया था उसके हिसाब से सुपरटेक ने जहां ट्विन टावर बनाकर खड़े कर दिए थे वहां ग्रीन एरिया होना चाहिए था। हालांकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और साल 2008-09 में सुपरटेक के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे दिया गया था। इसके बाद फरवरी 2009 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने नए बिल्डर्स के लिए FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो को बढ़ाने का फैसला किया। सरकार ने पुराने बिल्डरों को ऑप्शन दिया कि वो कुल FAR का 33% तक खरीद सकते हैं। अब जब सरकार ने FAR बढ़ा दिया तो बिल्डरों को ज़्यादा फ्लैट्स बनाने की छूट मिल गई थी। इसी नियम के तहत सुपरटेक को बिल्डिंग की ऊंचाई 11 मंजिला से बढ़ाकर 24 मंजिल करने की परमिशन दे दी गई, लेकिन बिल्डिंग को ऊंचा करने का सिलसिला यही नहीं थमा। तो ये तमाम जो है परमिशन मिलते गए और अधिकारी जो है उन अधिकारियों का नाम सामने आता गया, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि क्या सरकार की तरफ से कुछ हुआ? इसी सवाल का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में RWA की तरफ से लड़ने वाले वकील ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा अथॉरिटी ने उनकी तरफ से क्या कभी कोई एफिडेविट, कोई हलफनामा, कोई स्टैंड कोर्ट में लिया गया, और जब लिया गया तो क्या कहा उन्होंने? जी, उनका जो शुरू में एफिडेविट आया था उस एफिडेविट के तहत वो कह रहे थे कि सुपरटेक वाज वेल विद इन इट्स राइट वो टावर कंप्लीट करने के लिए, बट जब उस पर्टिकुलर टावर और उसके सारे नेसेसरी अप्रूवल्स को कोर्ट ने ठीक से उसका ब्यौरा लिया, उसकी जांच पड़ताल की, क्रॉस क्वेश्चनिंग की, और हमने जो RWA ने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए उसके बेसिस पे फाइनली कंक्लूड किया कि वो सारा अप्रूवल अवैध था, वो देने लायक नहीं था और सुपरटेक के पास कोई ऑप्शन नहीं था टू कंस्ट्रक्ट दोस टू टावर्स। जी, और ये सारी जो आर्ग्यूमेंट हुई, ये सारी जो दलीलें आई और एफिडेविट जो सरकार की तरफ से आए, वो सब हाईकोर्ट में ही आए? जी, सबसे पहले क्योंकि हमने ये केस हाईकोर्ट में रेस किया था तो हाईकोर्ट में ये एफिडेविट गया था ना, हाईकोर्ट से एक फाइनल जजमेंट आई जिसको सुपरटेक ने यहाँ चैलेंज किया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जजमेंट पास की। देखिए, हाईकोर्ट में उन्होंने डेफिनेटली कंटेस्ट किया था जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो एक प्रेजुडिस क्योंकि ऑलरेडी खिलाफ में एस्टैब्लिश हो चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उस चीज को इतना हेविली कंटेस्ट नहीं किया। दे एक्चुअली शिफ्टेड द इंटायर ब्लेम ऑन टू द बिल्डर। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, बिल्डर की खाली इकलौती ये जिम्मेवारी नहीं हो सकती है, बिकॉज आफ्टर ऑल किसी की आंखों के सामने इतना बड़ा टावर बनता रहा एंड डेफिनेटली अथॉरिटी इज कंप्लिसिट। दैट इज वाई आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट में स्पेशली लिखा है कि प्रोसिक्यूशन भी इनिशिएट किया जाए अगेंस्ट द एरिंग ऑफिसर्स ऑफ द अथॉरिटी एंड अदर डिपार्टमेंट्स। तो इनका मानना है कि RWA की तरफ से कभी भी सरकार को पार्टी बनाया ही नहीं गया, इसीलिए सरकार का नाम इस बीच आया ही नहीं। जो भी मामला आया वो नोएडा अथॉरिटी के जो है अधिकारियों का नाम सामने आया जिनकी जो है जिन पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के अपडेट्स जानने के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तमाम ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।